दोस्तों यार फाइनली जो है वो नरेंद्र मोदी का काफी शानदार रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है डंकी मूवी को लेकर। और डंकी का जो टॉप 5 है वो काफी बड़े यहाँ पर हाइप के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हुए देखने को मिले हैं कि राजकुमार हिरानी की इस मूवी के अंदर हमको काफी बड़े राजों से जो है यहाँ पर खुलासा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमको बताया जाएगा कैसे जो कि यहाँ पर जो लोग यहाँ से जो कि आउट कंट्रीज जाती है उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती है, वो उन सबका जो है खुलासा इस मूवी के अंदर होता हुआ देखने को मिलेगा। मूवी को जो है यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो है अभी यहाँ पर नेता और काफ़ी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डंकी मूवी जो है वो यहाँ पर काफ़ी बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है हिंदी मूवी के अंदर। ऊपर से यहाँ पर हिंदी बेल्ट के अंदर काफ़ी बड़ी हाइप चलती हुई देखने को मिल रही है डंकी की। उसी के साथ यहाँ पर जितने भी फैंस हैं भाई सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं अभी डंकी मूवी को लेकर। अब देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए डंकी मूवी की जो हाइप है वो ओवरसीज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। आज जो है यहाँ पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा की जो है यहाँ पर ओवरसीज से एडवांस बुकिंग होती हुई देखने को मिल चुकी है डंकी की। डे बाय डे जो है यहाँ पर डंकी की हाइप और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओ माही जो सॉन्ग था उसकी हाइप भी काफ़ी ऊपर की तरफ जाती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैन जो कि काफ़ी पसंद करते हुए देखने को मिले हैं ओ माही सॉन्ग को। और यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर जो धीरे धीरे मटेरियल्स आ रहे हैं जो यहाँ पर बॉर्डर लाइन क्रॉस कर कर शाहरुख खान और तापसी पन्नू जाते हैं उनके ऊपर फायरिंग होती है, वो सब सीन देखने के बाद मतलब कि भाई साहब आप समझ जाएँ कि मूवी के अंदर कितनी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हमको चीज़ें होती हुई देखने को मिलेंगी। और जैसा कि थोड़ी बहुत अपडेट ये निकल के आ रही है कि शाहरुख खान एज ए सोल्जर जवान होने वाले हैं इस मूवी के अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं क्या सीनरी होने वाले हैं इसके अंदर। हमको फाइटिंग, रोमांस, कॉमेडी, इमोशंस, हर एक चीज का जो कि हमको मूवी के अंदर देखने को मिला। मूवी जो कि वहां पर फील करने के जैसी है, तो अगर यहां पर आप मूवी को फील करेंगे तो जो कि आप इस मूवी को समझ पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो यहाँ पर इस मूवी को जो कि यहाँ पर सलार से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि सलार ऐसे कर दिए, सलार इतना कलेक्शन कर रही। लेकिन भाई साहब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो राजकुमार हिरानी की मूवी है, शाहरुख खान की मूवी जो डंकी आने वाली है, इसको हमें फील करना चाहिए, इसको हमें जो कि यहाँ पर इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, तभी जो कि हमको मूवी की जो कि अहमियत पता चलेगी। उसी के साथ यहाँ पर सलार की एक्शन मूवी नो डाउट काफ़ी अच्छा कमाएगी, लेकिन डंकी जो कि यहाँ पर दिलों के ऊपर राज करती हुई देखने को मिलेगी। अब देखते हैं क्या सीन होते हैं इस मूवी के अंदर, डंकी कैसा परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। शाहरुख खान का जो डंका है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अब देखना है क्या है कि क्या सीन होते हुए देखने को मिलते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में, डंकी के बारे में आपकी क्या राय है, ये जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ये छोटी सी वीडियो थी यहाँ पर डंकी के बारे में, और यहाँ पर डंकी सलार पर आने किसी भी साउथ या बॉलीवुड की मूवी के बारे में अपडेटेड ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर हर एक जो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।